أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने YouTube चैनल तावीज़ात अमलियात पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो इसकी असल वजह यह है कि मैं घर पे भी नहीं था, किसी बाहर गया हुआ था किसी काम के लिए। तो काफ़ी टाइम से मैं बाहर था, घर से दूर था, तो मेरे पास टाइम की कमी थी, इसी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब चूँकि दूसरा जो है ना ये सिलसिला शुरू हो गया, तो अब आप लोगों के लिए रोज़ कोई ना कोई अमल मैं शेयर करता रहूँगा और उम्मीद है कि आप लोग जो है ना पसंद करोगे। तो दोस्तों आज का अमल जो है ना मोहब्बत के बारे में है, हुब के बारे में है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मोहब्बत का अमल दे दें, मोहब्बत के काम वैसे भी बड़े मुश्किल होते हैं, तो ये अमल जो मैं दे रहा हूँ ये 100% काम करेगा और बहुत एक जो है ना काले इल्म का एक जो है आप इबारत समझे या मंत्र समझे मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस अमल को कोई भी करना चाहे कर सकता है, ठीक है। अपना गुनाह का ज़िम्मेदार वो खुद होगा, मुस्लिम करना चाहे तो भी करे, गैर मुस्लिम करना चाहे तो भी करे, मर्द औरतें जो भी करना चाहे कर सकता है। बाकी जो है ना गुनाह का ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो आज का अमल मोहब्बत के बारे में है, तो चलते हैं अपने अमल की जानिब। दोस्तों सबसे पहले बताता चलूं कि इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है, ठीक है। आपको डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, ना रिजालुल गैब का ख्याल रखने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस अमल के लिए आपने जो है ना नौ चंदी मंगल वाली रात से कोई ऐसी जगह जो है ना आपने ढूँढना है कि वहीं पर बैठ के आप तन्हा अकेले अमल करें, यानी आपके आसपास कोई ना हो, ना आपको कोई दूसरा देखे। घर में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और घर से बाहर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि औरतों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए जो है ना औरतें घर में बैठकर इस अमल को कर लें। इस अमल को आप लोगों ने नौ चंदी मंगल वाली रात से शुरू करना है, यानी चांद के पहली मंगल जब आता है उसी मंगल की रात आपने इस अमल को शुरू करना है। नौ चंदी मंगल सबको पता है, ठीक है। और मुंह जो होगा आपका मशरिक की तरफ, यानी जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ मुंह करके आप लोगों ने बैठ जाना है और अमल जो है ना आप लोगों ने पढ़ना है। अमल के लिए आपको लोबान की खुशबू, ठीक है, लोबान की अगरबत्ती ले लें, और अगर कमरे में कर रहे हैं तो लाइट बिल्कुल डिम रखें, हल्के लाइट रखें, और इसके साथ या फिर आप लाइट ऑफ करके कोई मोमबत्ती वगैरह भी आप जला सकते हैं। हिसार करने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें डर खौफ कोई होगा नहीं। और वहीं पर आपने बैठ कर ये अजीमत पढ़नी है, ठीक है, ये इबारत पढ़नी है। मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आप लोग पढ़ने में कोई गलती ना करें। तो दोस्तों अमल ये है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। ओम हिल हिली मतंगी स्वाहा, ओम हिल हिली मतंगी स्वाहा, ये आपने 108 बार पढ़ना है, ठीक है, 108 बार पढ़ना है। पढ़ते वक्त आपको कोई नहीं देखे। अगर आप चाहते हैं कि इस अमल का 100% रिज़ल्ट आपको मिल जाए ना, तो आप लोगों ने बरहाना होकर इस अमल को करना है, यानी आपके जिस्म पर कोई किसी किस्म का लिबास ना हो, मुंह मशरिक की तरफ करके बैठ जाएं, नौ चंदी मंगल वाली रात से शुरू करें और तीन रातों तक मुसलसल आपने इस अमल को करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका, वो पहले मैं बता चुका हूँ कि 100% रिज़ल्ट मिल जाए, तो अपने महबूब को अपने तसव्वुर में रखें, ठीक है, या फिर अगर आपके महबूब का आपके पास कोई तस्वीर है तो वो सामने रख के जो है ना इस अमल को शुरू करें। तस्वीर सामने रखें और अमल पढ़ना शुरू करें। आपका तसव्वुर नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, महबूब हर टाइम आपके तसव्वुर में हो और इस अमल को पढ़ते जाएं, 108 बार पढ़ना है।
तीन रात तक मुसलसल आपने इस अमल को करना है। इंशाल्लाह तीसरी रात या दूसरी रात जो है ना, आपके महबूब से आपका रابطہ हो जाएगा, वो किसी न किसी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में रहेगा। अगर कोई फ़ोन नंबर है या फेसबुक है, जहाँ पे भी है, वो कोई ना कोई ज़रिया निकाल के आपसे रابطہ ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत प्यारा बहुत मुजरब अमल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।